हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोकोनट चटनी की रेसिपी। तो चलो जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर 4 चम्मच मैं कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। जो ड्राई पाउडर इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, मैं उससे बना रही हूँ। साथ में मैंने 1 कप जैसा इसके अंदर पानी डाल दिया और इसे मैं 5 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से फूल जाए। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा इमली डाल रही हूँ, साथ में थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से करी लीव्स और 6 से 7 मैं गार्लिक डाल रही हूँ। साथ में हल्का सा नमक, हल्के से रोस्टेड चने और 2 ग्रीन चिलीज। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप 2 से 4 चम्मच जैसा पानी डाल दें। फिर मैं इसे कवर कर ले रही हूँ और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इजीली ये रेसिपी आसानी से बन जाती है। और जैसे ही ग्राइंड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का पेस्ट मिल जाएगा। और इसमें हमने क्योंकि कोरिएंडर लीव्स डाले हैं तो इसी की वजह से इसका कलर हल्का सा ग्रीन रहेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपकी चटनी दिखेगी। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बट हम इसके अंदर एक तड़का मारेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आए। तो तड़का बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच घी ली है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड सीड डाल दिया है। इसके साथ मैं हल्का सा हींग इसके अंदर डाल रही हूँ। और जब आपको दिखेगा कि हमारा जो मस्टर्ड सीड है वो फूटने लगा है अच्छे से, तो इसके बाद इसके अंदर हम करी लीव्स और ड्राई रेड चिली डाल देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, 2 मैंने यूज़ किया है और हमारा तड़का बिल्कुल भी रेडी है। तो हम इसे हमारे जो ग्राइंडेड पेस्ट है उसके ऊपर डाल देंगे और एक बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो कोकोनट चटनी है वो बिल्कुल भी रेडी हो गई है। तो आई होप आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी रेसिपीज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो, हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। बाय दोस्तों।